हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूँ जो कि समर के लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक है। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और ये फेस पैक आपकी स्किन को लाइटन बनाएगा और टाइटन बनाएगा। बहुत ही अच्छा फेस पैक है और आपके दाग धब्बे भी दूर कर देगा ये फेस पैक। और इस फेस पैक में बस सिर्फ दो तीन चीज़ें ही आपको चाहिए और बहुत ही अच्छा अमेजिंग है। आप कोई भी एज ग्रुप के हों, 13-15 से भी आप इसको लगा सकते हो। ऐसा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा एज वाले ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। आप इसको यूज़ ज़रूर करके देखिए। और हाउसवाइफ होती हैं और टीनेजर गर्ल होती हैं उन लोगों को ये फेस पैक तो ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि वो धूल उसमें धूप वगैरह में जाती रहती हैं, इतना सन प्रोटेक्शन नहीं ले पाती हैं। तो इस फेस पैक को आप अप्लाई ज़रूर कीजिए। और हाँ, फेस पैक बनाने से पहले आप अच्छे से हैंड वॉश और फेस को वॉश ज़रूर कर लीजिएगा, उसके बाद इसको अप्लाई कीजिए। चलिए देख लेते हैं इसको बनाना कैसे है, फिर देखते हैं इसको किस तरह से अप्लाई करना है। तो गाइस, पहले मैं अपने फेस को इससे मिसेलर वाटर से साफ कर लूँगी। मॉइस्चर है मेरे फेस पर और कुछ भी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा साफ कर ले रही हूँ मैं। इसके बाद मैं फेस पैक बनाऊँगी। तो थोड़ा सा नॉर्मल पानी से आप ऐसे ही वॉश कर लीजिए, इसको धोने के धो लीजिए थोड़ा, तो अच्छा लगेगा फेस को। यहाँ तक मैं लगाऊंगी इसलिए मैं यहाँ तक साफ कर ले रही हूँ। जो भी क्रीम वगैरह होती है उसको निकाल देना, कौन बार बार साफ फेस वॉश लगाए। फेस वॉश बार बार नहीं यूज करना चाहिए, जितना हो उतना ही यूज करना चाहिए, कम यूज करिए। दो बार यूज करती हूँ बस, शाम को सुबह में। तो देखिए मैंने साफ कर लिया है अपने फेस को, तो मैं थोड़ा वॉश करके आती हूँ, फिर मैं आपके साथ फेस पैक बनाऊंगी, फिर लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने एक चम्मच बेसन लिया है, ग्राम फ्लोर, चिक्की फ्लावर भी बोलते हैं इसको, तो मैंने एक ही चम्मच लिया है और ज़्यादा नहीं लिया है, बस इतना ही लूँगी मैं इससे। ये वाला फेस पैक से आप तो बिल्कुल जितनी भी डर्ट होगी, जो भी थोड़ा सा निशान वगैरह होंगे, दाग धब्बे होंगे, वो भी इससे रिमूव हो जाएंगे और आपको एक ग्लो भी प्रोवाइड होगा और अंदर से डीपली क्लीन भी क्लीन हो जाएगा, डीपली जाएगा। और मैं लूँगी कॉफ़ी, ये नेस्कैफे का पैकेट है, मैं इसको भी एक चम्मच ले लूँगी। कॉफ़ी में कैफीन होता है इसलिए मैंने एक चम्मच इसको भी ले लिया है। आपको अपने फेस के हिसाब से ले लेना है और यहाँ तक आपको नेक तक लगाना है। देखिए, डालने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि डाल लीजिए और बहुत एक साथ, लेकिन जो कम यूज़ करके, जितनी कम यूज़ करेंगे चीज़ें उतना ही फेस पैक अच्छा इफ़ेक्ट देगा। इसलिए आप जो भी चीज़ को लगाएं जिस चीज़ के लिए, पहले वो उस चीज़ पर वर्क कीजिए, फिर आप दूसरी चीज़ों को। और मैं थोड़ा दही डाल दूंगी, दही डालूंगी मैं इसमें, बस ये मिक्स हो जाए। इसमें इतना ही दही लेना है आपको, ज़्यादा दही मत लीजिएगा, सॉरी। तो मैंने ये ले लिया है, दही भी ले लिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। आप अगर चाहें तो इसमें रोज़ वाटर ऐड कर सकते हो, दही से, दही में तो ऐसे वो विटामिन सी होता है, बहुत ज़्यादा खट्टा होता है और इसमें लैक्टिक एसिड होता है, तो आपके फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। आप पिंपल प्रोन स्किन वाले भी लगा सकते हो, एक्ने वाले भी लगा सकते, और नॉर्मल स्किन
नॉर्मल टू ड्राई स्किन और हर स्किन, ऑल स्किन सूटेबल है ये फेस पैक, सभी लोग इसको लगा सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ, अच्छे से फेंट लीजिए। कोई भी फेस पैक है आपको थोड़ा सा टाइम देना है, 2 से 3 मिनट आप अच्छे से मिक्स कीजिए, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, सारी की सारी चीज़ें, उसके बाद आप इसको यूज़ करेंगे ना तो इसका इफ़ेक्ट ही अलग आएगा, इसलिए इस तरह से आपको यूज़ करना है। नहीं थिक होना चाहिए, बहुत अच्छा फेस पैक है गाइस ये, आप लोग इसको जरूर लगाइएगा, जरूर से, बहुत अच्छा। और मैं थोड़ा अपना फेस को वेट कर लूंगी, मैंने धो लिया था फेस को, ये नॉर्मल पानी है, ये गुलाब जल नहीं है इसमें। कोई भी फेस पैक है आपको वेट करके ही यूज करना है, वेट कर लीजिए अपने फेस को, उसके बाद ही आप यूज कीजिए। मैं इसे स्पून से ही लगा लूंगी इसको, इस तरह से। डालने के लिए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें डाली जा सकती है, लेकिन एकदम से सारी चीज़ें, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती है डालने वाली, तो लेकिन उतनी ही चीज़ें आप इसमें यूज़ कीजिए जितनी की नीड है इसमें, जो मैंने डाला है बस आप वही यूज़ करके एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। इस तरह से आपको लगा लेना है पूरे फेस पे, मैं अभी लगा कर आपसे मिलती हूँ। तो गाइज आपको इस तरह से लगा लेना है पूरा से अच्छे से फेस पर, और ये जो इधर पर जो आपके रिंकल्स होती हैं अंडर आई एरिया में, तो वहाँ पर आप इस तरह से लगा लीजिए, जितनी फाइन लाइंस वगैरह होंगी वो भी रिड्यूस हो जाएंगी इससे, क्योंकि ये बहुत थिक पेस्ट है और इसमें कॉफ़ी है तो बहुत ही अच्छा है, और दही, लैक्टिक एसिड होता है उसमें दही में, और बहुत ही अच्छा होता है कर्ड में, और मैंने थिक कर्ड लिया था, ऐसा नहीं कि पतला पानी जैसा नहीं लेना है आपको कर्ड, इस तरह का थिक लेना है। उसके बाद आपको इस तरह से लगा लेना है, 20 मिनट तक आप ऐसे ही लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इसको धुल लीजिएगा पानी से। और कोई भी फेस पैक है आपको रात में ही यूज़ करेंगे ना आप, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं ज़्यादा बोलूँगी नहीं, अब बाद में बोलूँगी, मैं आपको बाद में बताऊँगी सब, क्योंकि जो भी फेस पैक होता है उसको लगाने के बाद आप बाद में ही, ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए और उसके बाद ही बोलना चाहिए। थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है मेरा कैमरा, नहीं जाता है वो। चलिए ठीक है, मैं आपसे 20 मिनट बाद मिलती हूँ, जब ये थोड़ा ड्राई हो जाएगा फिर मैं इसको वॉश कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से इसको, ये सूखता है, हल्का हल्का भी सूख जाए, थोड़ा सा खींचेगा ये, थोड़ा सा इचिंग होगी इसमें, ऐसे थोड़ा सा ड्राई होगा ना तो अच्छा सा पता चलेगा कि हाँ कि आपका टाइट हो रही है स्किन। चलिए आपसे बाद में मिलती हूँ 20 मिनट बाद। तो देखिए गाइस मेरा ये फेस पैक सूख चुका है, अब मैं इसको वॉश करके आती हूँ। ये देखिए, इसको आपको रब करके, कोई फेस पैक है किसी भी तरह का फेस पैक हो, चाहे आप मार्केट वाला यूज़ करें या फिर ये वाला फेस पैक यूज़ करें, आप इसको हमेशा रब करके ही पानी से वॉश कर लीजिए। चलिए मैं फेस धोकर आती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही खिंच रहा है, टाइट हो गया है बहुत फेस एकदम। चलिए मैं धो के आती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ।
तो देखिए गाइज, मैंने वॉश कर लिया है फेस को, आप भी देख सकते हो पहले फेस कैसा था मेरा और अब कितना अच्छा ब्राइट हो गया है, बिल्कुल अंदर से क्लीन अप हो गया है मेरा फेस, एकदम से क्लीन हो गया है और ये स्किन में एकदम अच्छे से ऑब्जॉर्ब भी हो जाता है और अच्छे से डीपली क्लीन भी साफ करता है और आपकी स्किन को टाइट और ब्राइट बनाता है। ये फेस पैक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी थोड़ी देर में मिलती हूँ आपसे। तो गाइज, आप लोगों ने देख लिया है कि इस फेस पैक को किस तरह लगाना है, किस तरह अप्लाई करना है, किस तरह बनाना है। तो ये फेस पैक आपको ज़रा भी थोड़ा भी अच्छा लगा है और आपकी स्किन बिल्कुल, आपने लगाएंगे जब तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इतनी स्किन टाइट हो जाती है, जितनी भी आपकी फाइन लाइंस होती है, जितना भी आपकी डल स्किन होती है वो भी इम्प्रूव होती है, वो स्किन आपकी डलनेस दूर हो जाती है और जो आपकी फाइन लाइंस होती हैं या झुर्रियाँ होती हैं वो भी बहुत ही कम हो जाएंगी। आप इसको हफ्ते में 3 बार अप्लाई कर सकते हो और इस फेस पैक में सिर्फ 3 चीज़ें यूज़ करनी है तो आपके घर में ये आराम से इजीली मिल जाएंगी। और आपको ये फेस पैक ज़रूर आज बनाकर, मैं आपको बता रही हूँ तो आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये फेस पैक आप ज़रूर लगाइए ज़रूर से ज़रूर। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे फेस पैक वगैरह किस कैसे लग रहे हैं और आप लोग यूज़ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, मैं आप लोगों के लिए कितनी हेल्पफुल साबित हो रही हूँ, आप लोगों को कैसे मेरे वीडियोस लग रहे हैं। और भी मैंने बोला था आपको कि मैं और वीडियो लेकर आऊँगी अच्छे अच्छे, अभी तो मैं सिर्फ, क्योंकि फेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी, क्योंकि इतना मौसम ख़राब हो रहा है, समर्स आ गए हैं, गर्मियाँ बहुत चिपचिप वाली होती है, तो आपको फेस का और बॉडी का ध्यान ज़्यादा रखना है, आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, वाटर तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और जितना ज़्यादा आप पानी पियेंगे खुश रहेंगे तो आपका फेस वैसे भी ग्लो करेगा और अच्छा रहेगा। तो आप लोग ये फेस पैक ज़रूर ट्राई कीजिए और ज़रूर लगाइएगा और मुझे कमेंट करना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है और बेल आइकन भी हिट कीजिएगा क्योंकि मैं जब भी आपको नया वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपके पास नोटिफिकेशन बेल पहुंच जाए आपके पास। चलिए फ्रेंड्स, बाय। आप लोग ज़रूर ये फेस पैक ट्राई कीजिएगा, मैं कल आपसे मिलती हूँ। बाय।